से हो? मैं प्रॉपर द्वारका से हूँ। ओके, गायनेकोमेस्टिया है वो आपको पता कैसे चला? जब मैं 12th में था तब मेरी जो चेस्ट है वो नॉर्मल से ज्यादा थी, तो मुझे लगा कि ये कुछ अलग है, तो फिर धीरे धीरे मतलब वो चेस्ट है जो बढ़ती ही गई, फिर मुझे अब जाके पता चला कि नहीं ये मेल चेस्ट नहीं है, तो फिर मैंने मतलब मुझे पता चला कि ये गायनेकोमेस्टिया है। ओके, गायनेकोमेस्टिया ट्रीटमेंट आप क्यों करवाना चाहते थे? क्योंकि मेरा मैं कहीं भी मतलब टी शर्ट नहीं निकाल सकता था या फिर स्विम नहीं कर सकता था, दोस्तों के साथ कहीं जा नहीं सकता था, तो मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो बहुत कम था, तो मुझे वो ऊपर ले आना था सेल्फ कॉन्फिडेंस को, इसलिए मेरे को करवाना था ये सर्जरी। ओके, डॉक्टर आशुतोष का रेफरेंस आपको कैसे मिला? मैंने पहले तो जो गूगल पे सर्च किया कि भाई जो गायनेकोमेस्टिया है वो कहाँ पे मतलब होता है, उसके बाद मैंने यूट्यूब पे ये सब वीडियो देखे, आपके वीडियो बहुत ज्यादा थे और उसमें व्यू भी ज्यादा था, तो मैंने सोचा कि नहीं ये परफेक्ट है मेरे लिए। ओके, डॉक्टर आशुतोष की अपॉइंटमेंट आपको आराम से मिल चुकी थी? हाँ सर, एकदम आराम से कॉल पे मिल चुकी थी। ओके, तो आप तो वैसे द्वारका से हो, तो जब भी कुछ भी मतलब कॉलिंग करना था, बात करना था, तो रिस्पॉन्स कैसा रहता था? बहुत अच्छा था, क्योंकि जो मैं जिससे बात कर रहा था वो चेतन सर थे, वो बहुत आराम से बात करते थे, मैं जब भी फोन करता था या फिर व्हाट्सएप करता था मेरे को तुरंत रिप्लाई देते थे। ओके, और डॉक्टर चेतन ने आपको गायनेकोमेस्टिया ट्रीटमेंट समझने के लिए कितना टाइम दिया था? मतलब बहुत अच्छा टाइम तो एकदम दिया ही था। ओके, तो फोन के दौरान जब आप बात करते थे, जब भी जब कुछ डाउट्स लगते थे तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाते थे? हाँ, एकदम क्लियर थे। पहले पहले मुझे डर लगता था, लेकिन फिर जैसे जैसे मैं मतलब बातें ज्यादा हो गई तो मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि नहीं यही बेस्ट है इधर ही। ओके, सर्जरी की डेट आपको आराम से मिल चुकी थी? हाँ सर, एकदम आराम से। सर्जरी से पहले जो भी कुछ कह लेना था डॉक्टर आशुतोष ने आपको बराबर से समझाया था? हाँ, एकदम एकदम बहुत अच्छी तरीके से। ओके, सर्जरी के दिन का माहौल कैसा था? ऐसे मैं पहले नर्वस था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मतलब इधर के जो स्टाफ है पूरी टीम बहुत फ्रेंडली थी, कोऑपरेटिव थी, इसलिए मुझे डर फिर नहीं लगा। ओके, सर्जरी के दिन आपको डॉक्टर आशुतोष सर ने और उसकी टीम ने आपकी कैसे केयर ली थी? बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि जब सर्जरी थी तब मेरे साथ बात करते थे, मेरे को लोकल जो एनेस्थेसिया वो दिया गया था, तो मैं बोल भी रहा था, लेकिन ये मुझे नहीं पता, लेकिन बोल रहा था ऐसा, और सर बात कर रहे थे मेरे से पूरी तरीके से। ओके, तो जब आप पूरी प्रोसीजर में जग रहे थे, बात कर रहे थे, तो पेन का फीलिंग हो रहा था कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं, पता ही नहीं चला मुझे सर्जरी कब हो गई, कुछ पता नहीं चला। सर्जरी के बाद जब आप रूम में थे तो स्टाफ ने और डॉक्टर्स ने आपकी कैसे केयर ली थी? बहुत अच्छे तरीके से, मतलब एकदम कोऑपरेटिव मेरे साथ रहते थे, मेरे को पूछते थे कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई तकलीफ तो नहीं है ना। ओके, आपका ड्रेसिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा, अभी ड्रेसिंग हो गया है, बस अब मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप हो गया है। ओके, सर्जरी के बाद और ड्रेसिंग के बाद जो कुछ कह लेना है आपको बराबर से समझा गया था? हाँ, बराबर से। ओके, आप पहले गायनेकोमेस्टिया लेकर घूम रहे थे और अभी नहीं है, तो कैसा फील है? बहुत अच्छा फील है, क्योंकि जो पहले की कंडीशन थी उससे तो बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है, तो मैं कहीं भी मतलब जा सकता हूँ, घूम सकता हूँ, कहीं भी मतलब नहाना हो कुछ भी, मतलब टी शर्ट निकाल सकता हूँ, घर पे भी ऐसे घूम सकता हूँ, लेकिन पहले नहीं था, अब है। ओके, डॉक्टर आशुतोष, ये गायनेकोमेस्टिया के अलावा लाइपोसक्शन, ब्रेस्ट सर्जरी, हेयर ट्रांसप्लांट, बीयर ट्रांसप्लांट, बहुत सारी ऐसी कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को अगर कॉस्मेटिक सर्जरी की रिक्वायरमेंट हो तो आप रिकमेंड करना चाहोगे? हाँ सर, एकदम एकदम बिल्कुल सर। ओके, डॉक्टर आशुतोष सर, उसकी टीम का 5 स्टार में से कितना स्टार देना चाहोगे? 5 पूरे। ओके सर, थैंक यू।